हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्मार्ट टेक्निकल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम। और वीडियो पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेजिव ब्लड प्रेशर, इसको हम IBP भी कहते हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बॉडी। जब भी हम डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो इसमें हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है पेशेंट की बॉडी से। इन दिस प्रोसेस कैथेटर इज यूज बाय इंसर्टिंग इन अ पेशेंट बॉडी। हम इसमें कैथेटर का यूज करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल के, तभी हमारा जो रिजल्ट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर आता है वो बहुत ही एक्यूरेट भी होता है इस वाले प्रोसेस में। द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। जो IBP का जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज यूज इज वेरी रेयर केस। मतलब कि जो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही रेयर केस में यूज करते हैं। हम इसका यूज तब करते हैं जब पेशेंट की बॉडी से हमें ब्लड प्रेशर का पता नहीं चल पा रहा होता है। अगर जब हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर यूज करते हैं और उसमें ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा होता पेशेंट की बॉडी से, तब हम डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर यूज करते हैं। ये बहुत ही कम केस और रेयर केस में यूज करते हैं। आगे बढ़ाते वीडियो को। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर। आप वीडियो को पॉज करके इसे बना भी सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इसका बता देती हूँ, उसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैथेटर का यूज कर रखा है पेशेंट की बॉडी से, जो कि कनेक्ट है 3-way स्टॉपकॉक से। एंड ये फ्लश सॉल्यूशन अंडर प्रेशर, इसमें जो फ्लश मतलब कि फ्लश करते हैं, सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, ताकि जो ब्लड आ रहा है उसमें बबल्स या ब्लड क्लॉट्स ना हो, इसलिए इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे प्रेशर ट्रांसड्यूसर है जो कि हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। और ये है हमारा प्रेशर मॉनिटर जो कि रिजल्ट देता है हमारा मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर का। तो चलिए इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। आप इसे वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं इफ यू नीड। तो हमारा पहले मैंने एक्सप्लेन किया है प्रेशर ट्रांसड्यूसर। प्रेशर ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड। हम प्रेशर ट्रांसड्यूसर से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं गैस और लिक्विड का। इसमें हमने लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया है। इट इज बेसिकली कन्वर्ट इनकमिंग लिक्विड प्रेशर इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जो भी हमारा इनकमिंग प्रेशर होता है ब्लड का, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। एंड है फ्लश सॉल्यूशन अंडर प्रेशर। फ्लश सॉल्यूशन अंडर प्रेशर इज यूज फॉर रिमूविंग बबल्स एंड ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड। ये बेसिकली क्या करता है, रिमूव करता है बबल्स एंड ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड। अगर बबल्स और ब्लड क्लॉट्स होंगे ब्लड में तो हमारी जो मेजरमेंट होगी वो इनएक्यूरेट होगी। तो और हमें एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, तो इसके लिए हम फ्लश सॉल्यूशन अंडर प्रेशर का यूज करते हैं। प्रेशर मॉनिटर। प्रेशर मॉनिटर इज बेसिकली आउटपुट डिस्प्ले। इट बेसिकली गिव आउटपुट रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। जो भी हमारा रिजल्ट होता है ब्लड प्रेशर का, मतलब कि ब्लड प्रेशर हमारा कितना है, वो शो होता है प्रेशर मॉनिटर पे। ये रिजल्ट देता है मेजरमेंट का 3-way स्टॉपकॉक। देयर 3-way स्टॉपकॉक
वेयर द फ्लश सॉल्यूशन प्रेशर ट्रांसड्यूसर एंड कैथेटर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये मतलब कि तीनों चीज कनेक्ट होती है थ्री वे स्टॉपकॉक में, जैसे कि आप देख सकते थे फ्लश सॉल्यूशन अंडर प्रेशर एंड प्रेशर ट्रांसड्यूसर एंड कैथेटर, जो कि तीनों एक ही जगह से कन्वर्ट मतलब कनेक्टेड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।